वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक में जनाब हमें ज्वाइन किया है बड़ी जबरदस्त किस्म के सिंगर हैं जोजी अली खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो जोजी अली खान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का एहसान। तो आज आप सुबह सुबह 6 सितंबर का आगाज किस मिली रंग में से करने वाले हैं? जी, वतन की मोहब्बत तो हर पाकिस्तानी के दिल में है और सबसे पहले मैं अपनी पाक फौज को जो है वो सलूट पेश करता हूँ। वो जागते हैं और हम सोते हैं, और जिस तरह के पाकिस्तान जो है पूरी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया, और हमें चाहिए कि उसकी उसके लिए उसकी मोहब्बत दिल में होनी चाहिए हमारी। डेफिनेटली। तो मैं ऐ वतन प्यारे वतन जरूर ये नगमा है वो सुनाने चाहता हूँ। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज अना दिल का बहारी मस्कन, रंगो आंग से मामूर तेरे को हो दमन, ऐ मेरे प्यारे वतन। और ये जो शेर है मैं कहने जा रहा हूँ, पहले दिल में ये होता था कि वतन होता है और अपना देश होता है, ये वो ऐसे बस नॉर्मल लेते थे। एक दिन एक मेरा दोस्त जो है यही तराना मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए आया, तो ये जो शेर मैं पेश करने जा रहा हूँ, जब ये मैंने सुना तो मैं रो पड़ा सच में, और बच्चों की तरह रोया। इसकी एक लाइन है, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया इतान, उस वक्त मुझे फील हुआ कि वतन और अपना देश अपना घर क्या होता है। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दया, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुरमत का है संगीन हसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। जबरदस्त। हमारे साथ हमारा हम बात कर रहे थे जब बंकर ने बताया कि उनकी पोस्टिंग सियाचिन हुई है और आपके पास टेकर कर गया। ऑफिशियली जो भी उनके वहाँ के एक्सट्रीम कंडीशंस रही वेदर की, जो ऑफिशियली आप लोगों को कन्वे किया गया वो भी हम जानना चाहेंगे। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब थी इनकी, हम लोग इस्लामाबाद में होते थे, और उसके बाद जिन दिनों उमर की डेथ की न्यूज़ हमें मिली, उन दिनों बच्चों समर हॉलीडेज थी, तो मैं और मेरी बड़ी बहन हम लोग अम्मी की अबू की तरफ ही थे। और जिस वक्त हमें फर्स्ट कॉल आई तो उधर से जो भी आई नो सूबेदार में था जो भी था, वहाँ जिस बंदे ने भी कॉल की उसने यही कहा कि आप कौन बोल रही हैं? बड़ी बहन ने मेरे फ़ोन उठाया, तो उन्होंने कहा मैं उनकी बड़ी बहन बोल रही हूँ। उन्होंने पूछा कि उनके पेरेंट्स हैं घर पे, उनकी वालदा से हमने बात करनी है।
तो अम्मी अब उस वक्त घर पे नहीं थे, वो लोग CMH गए थे अपने रूटीन रेगुलर चेकअप के लिए. तो पापा ने कहा क्या बात है, क्योंकि आर्मी की तरफ से कॉल थी ये तो इतना पता था. उन्होंने कहा क्या बात है, उन्हें उम्र के हवाले से आपने कहा जो भी प्रॉब्लम है जो भी मसला है आप मुझसे शेयर कर देना. उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया. ऐसे पहले कभी कॉल आई नहीं थी, यानी या तो उम्र डायरेक्ट बात करता था या हम लोग करवाते करते थे किसी ऑफिशियल बंदे की, ऐसे कभी कॉल नहीं आई. तो हम लोग थोड़ा सा ना परेशान हो गए कि क्या ऐसा क्यों कॉल आई है, क्या मसला. उसके बाद फिर एक घंटा गुजरा होगा तो दोबारा कॉल आई. फिर उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रही हैं. तो आपा ने कहा मैं उनकी बड़ी बहन बोल रही हूँ. तो मैं आपा से लड़ना शुरू हो गई पीछे से ना. मैंने कहा आपा फिर कॉल आई है, आपने क्यों बताया मैं बड़ी बहन हूँ, आप उन्हें फ़ोन पे क्या पता कि बहन बोल रही है कि मदर बोल रही है. मैंने कहा आप बता कह देती कि मैं मदर बोल रही हूँ, पता तो चले क्या मसला है. तो बहरहाल आपा ने फिर यही कहा कि अम्मी अबू सेम एज के हैं, क्या मसला है आप प्लीज़ मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, कोई मसला है कोई कुछ. कहते नहीं हमने उनके ना वालदा से बात करनी है, उनके वालिद से बात करनी है. बाद उन्होंने फिर हमें नहीं बताया और हम लोग बहुत डिस्टर्ब उस वक्त हो गए कि ये दूसरी दफ़ा कॉल आई है. तो अल्लाह खैर करे और हम कुछ ऐसा सोचना भी नहीं चाह रहे थे क्योंकि हम दोनों बहनें हॉलीडेज पे अम्मी अबू की तरफ स्पेंड करने आए हुए थे, बहुत हैप्पी मूड में, बच्चे इंजॉय कर रहे सब कुछ. भाई तो वहमो गुमान में भी कुछ नहीं था, लेकिन ऐसी कॉल्स जब आई तो हम लोग वाकई में बहुत डर गए. अल्लाह खैर करे, हमारे दिमाग में फ़ौरन अल्लाह उम्र ठीक हो, उम्र ठीक हो, उम्र कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हो. लेकिन उन्होंने हमें इतला नहीं की. उसके एक घंटे डेढ़ बाद फिर अबू आए, फिर उन्होंने डायरेक्ट पेरेंट्स से ही बात करके उन्हीं से इन्फॉर्म किया हमें. नहीं लेकिन हम हकीकत में अंदर से डरे पड़े थे, लेकिन उन्हें डायरेक्ट ये मैसेज हमें कन्वे नहीं किया कि उमर शहीद हो चुका है या उमर सर उमर की तबीयत बाहर. हमें वो इतना इन्फॉर्म उन्होंने हल्का रख किया कि सर उमर की तबीयत बहुत ख़राब है, आप उनके लिए दुआ करें. दूसरी तीसरी दफ़ा जब थर्ड कॉल आई ना, आप उनके लिए दुआ करें. तो हम लोग बहुत डर गए थे, हमने कहा कि उसने बस हम दुआएँ मांगना शुरू किया, अल्लाह करे उमर ठीक हो, अल्लाह करे उमर ठीक हो, कि बहुत सोए कंडीशन हो लेकिन उसे कुछ हुआ ना हो. अब वो ठीक हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट आएगा, उसे होगा, उसे पिंडी लेकर आएंगे, हम फौरन जाएंगे क्योंकि हम लाहौर थे, हम उसके पास जाएंगे. अल्लाह ताला को बहुत प्रॉब्लम उसके बेशक हो गया हो लेकिन उसे ठीक हो, उसे कुछ हुआ ना हो. फिर आखिर एंड पे उनकी को बात अबू से ही हुई. फैमिली तो मौजूद है, जो जीजी खान भी मौजूद है. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. आप जागो लाहौर देखिए. नजर करूं अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं. अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द तुझे क्या पेश करूं अपनी जान.